दोस्तों वेलकम है आप सभी का। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेलेक्ट ऑप्शन की वैल्यू को इनपुट बॉक्स में डिस्प्ले करा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कोड लिख के रखा है ताकि टाइम बच सके, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा है मैंने। यहाँ पर देखिए, मैंने सबसे ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है, उसके बाद आता है हमारे पास एक टेस्ट कंटेनर जिसके अंदर यूएल है और यूएल के अंदर हमारा फॉर्म है। ठीक है, तो पहले एलआई के अंदर हमारे पास फॉर्म है और सबमिट बटन है, और दूसरे एलआई के अंदर है हमारे पास इनपुट बॉक्स जहाँ पर हम हमारा वैल्यू दिखाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई अलग से फाइल नहीं बना रहा हूँ, मैं नीचे में लिखा हूँ, आप चाहें तो अलग से फाइल बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सेलेक्ट हमारा टैग है उसको मैंने आईडी दिया हुआ है यहाँ पर गेट वैल्यू का, ये देखिए। ठीक है, और हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसको मैंने आईडी दिया है शो वैल्यू का। ठीक, अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम होने वाला है सबमिट फंक्शन। जैसे ही हम सबमिट बटन में क्लिक करेंगे हमारा जो फंक्शन है वो चल जाएगा, सबमिट फंक्शन। ठीक है, ये हमारा सबमिट फंक्शन है, और मैं ऊपर में डिक्लेयर भी कर लेता हूँ क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है सबमिट बटन पे काम करेगा, इसलिए हम फॉर्म के जो यहाँ पर होता है मेथड के बाद हम उसे डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन सबमिट। ठीक है, ऑन सबमिट, और यहाँ पर फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं सबमिट फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे सेलेक्ट बॉक्स को। ठीक है, हमारा सेलेक्ट को हम टारगेट करेंगे, तो उसके लिए अपन और क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और हमारे आईडी का नाम लिख देंगे, और हमारा आईडी का नाम है गेट वैल्यू। ठीक है, और हम इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे वैल्यू। ठीक है, जिससे हमको हमारा वैल्यू मिल जाएगा। और अपन क्या करेंगे, अपन इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक है, उसके अंदर हम इसको स्टोर करा देते हैं। ठीक है, अब हमारा सेलेक्ट बॉक्स तो टारगेट हो चुका है और हमको हमारा वैल्यू भी मिल चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको टारगेट करना है हमारे इसको, ये हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसको हमको टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ शो वैल्यू को। ठीक है, हमको यहीं पर हमारा वैल्यू दिखाना है, और इसी वैल्यू में हम क्या डाल देंगे, हमारा एक्स में जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम इसी इनपुट बॉक्स के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम जो है वो पूरा हो चुका है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसे सबमिट करूँगा आप देखिएगा कि ये झटके से चला जाएगा क्योंकि हम डेटा को कहीं भेज नहीं रहे हैं। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ आया और वो अपने आप चला गया। मैं इसको बदल कर दिखाता हूँ, फीमेल किया, सबमिट बटन क्लिक किया, ये देखिए फीमेल आया फिर चला गया। ठीक है, फिर से मेल करता हूँ मैं, ये देखिए। ठीक है, अगर इसको आपको थोड़ी देर रोकना है तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसे अलर्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई देगा। सेव किया और अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए वैल्यू आ गया और नीचे भी आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आया था, अब मैं फीमेल करके दिखाता हूँ, तो अभी देखिएगा यहाँ पर। तो देखा दोस्तों आप कैसे जो जावास्क्रिप्ट की मदद से सेलेक्ट ऑप्शन की वैल्यू को आप गेट कर सकते हैं और कहीं भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।